इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है कि इस टाइप के बैकग्राउंड से आके भी आप यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाके स्कॉलरशिप के साथ आप पढ़ाई कर पा रहे हैं जब मैं दसवीं में था दसवीं की मैंने बोर्ड्स की अपनी परीक्षा दी उसके बाद मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मेरी बहन और मेरी माँ ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो जाए आपके चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए परंतु हौसला नहीं हारना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ मैं हूं वसीम खान बिहार और देश का नाम रोशन करने वाले अभिनव खन्ना जी हमारे साथ हैं अभिनव खन्ना जी ने दो करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की है अमेरिका के एक संस्था ने अभिनव खन्ना को दो करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है अभिनव खन्ना अट्ठारह साल के उम्र में ही इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि अमरीका के एक संस्था ने इन्हें इन्वाइट किया है अगर हम अभिनव खन्ना के बारे में आपको बताएं तो महज 18 साल के में ये मुकाम हासिल करने से पूर्व इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में टेंथ की परीक्षा इन्होंने पटना के डी से दी और आगे की पढ़ाई के लिए ये पुणे चले गए पर पुणे जाने से पहले घर की परिस्थिति काफ़ी गमगीन थी परिवार वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसके बाद अभिनव खन्ना आगे के लिए पढ़ाई के लिए पुणे चले गए पूरी कहानी क्या है किस तरीके से अभिनव खन्ना ने ये मुकाम हासिल किया है क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कौन हमेशा से इनको सपोर्ट करता रहा और ये आगे बढ़ते चले गए इनसे बात करते हैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको अमेरिका की एक संस्था ने दो करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है जी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहला प्रश्न अभिनव खन्ना जी आपसे ये होगा कि आप तो कहाँ से बिलोंग करते थे आपकी जन्म कहाँ से हुई और अमेरिका तक की जर्नी आपने कैसे तय की जी मेरा जन्म पटना में ही हुआ था मैं मॉन्टेसरी तक मैं नोट्रीडेम में पढ़ा हूँ फिर दसवीं मैंने डी पटना से की है और उसके बाद मैं अपने प्लस टू के लिए पुणे में महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से मैंने पढ़ा था तो जो मेरा ये सफ़र रहा है कि मैं पटना से यूएस के एक टॉप यूनिवर्सिटी तक का ये बहुत ही कठिन रहा है और ऊंच नीच वाला रहा है कि बहुत ऐसे फेज़ आए हैं जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी भी हुई है परंतु तो बहुत अच्छे भी फेज़ेज़ आए हैं कि जो रिज़ल्ट आया मेरा वो इतना अच्छा आया तो शुरुआत से ही मुझे पता था कि मुझे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है क्योंकि उनका जो पढ़ाने का ढंग होता है उनका तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है और काफ़ी बेहतर होता है तो जब मैं दसवीं में था दसवीं की मैंने बोर्ड की अपनी परीक्षा दी उसके बाद मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज़ हुआ था तो उस समय और उसी समय मैं अपने पुणे निकलने वाला था महेंद्र यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उस समय जो ब्रेक था उसी समय पापा को कैंसर डायग्नोज़ हुआ और मैं एक दो महीना उनके साथ ही एकदम रहा था कि उनकी मदद कर सकूं उनकी देख देख भलाई कर सकूं उस समय मेरे माता पिता ने तो बहुत सपोर्ट किया ही और साथ ही साथ मेरी बहन ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है उस समय और एप्लीकेशन के दौरान भी मेरी बहन ही मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है हमेशा से ऐसा रहा है यहाँ तक कि जो प्लस टू के लिए मैं जिस स्कूल में गया था उसका एप्लीकेशन भी मेरी बहन ने ही मुझे भरवाया था और मेरी बहन जब अपने टम अपने समय में जब स्कूल में थी तब मेरी बहन की सहेलियों ने उस कॉलेज में अप्लाई किया था वहाँ से दीदी को पता चला महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के बारे में और तभी दीदी ने मुझे भी प्रोत्साहित किया कि मैं आगे जाके उसी स्कूल से और उसी कॉलेज से पढ़ूँ और उसी समय बहुत कठिन समय था कि घर में भी परेशानियाँ थी मुझे स्कूल भी मैनेज करना था परंतु मेरी फैमिली माता पिता चाचा चाची बहन सबके सपोर्ट के साथ मैं वो कर पाया था फिर 2018 में के समर के टाइम पे मैं डेक्स चैरिटी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था और उनका मैं समर में डेक्स स्कूल नाम के एक ऑन्टरप्रेनरशिप और लीडरशिप के समर काम में मैं गया था जहाँ पे मैं शरद सर और स्वराज सर से जुड़ा जिन्होंने मुझे उस समय से पूरी यूनिवर्सिटी तक अभी तक वो मेरी मेंटर्स हैं और अभी तक वो मुझे गाइड करते हैं कि मुझे आगे अपनी पढ़ाई कैसे करनी है तो उसके बाद ही जब लास्ट ईयर मुझे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का टाइम आया उस समय डेक्स ग्लोबल का ही एक और प्लेटफॉर्म है डेक्स टेरिटी टू कॉलेज नाम का जिसमें वो हम जैसे स्टूडेंट्स जो पटना बिहार या इस टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमको ना पता हो उनका एक्सपीरियंस ना हो उनको मदद करते हैं कि हम टॉप यू विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकें और उन वहाँ जा कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें तो उन्होंने मुझे काफ़ी है मदद की मेरे एप्लीकेशन में मुझे मदद की कि मुझे गाइड किया कि कैसे करना चाहिए उसी समय मेरी बहन ने भी मुझे बहुत मदद की मेरी कि हर हर ऐसे को मेरा देखना हर एप्लीकेशन के एक एक पार्ट को देखना मुझे गाइड करना तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट समय भी रहा है मेरे लिए कि पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कि मेरे घर पे जैसी स्थिति थी मेरे पढ़ाई भी मुझे मैनेज करनी थी परंतु सबके योगदान के साथ वो चाहे मेरे माता पिता हो मेरी बहन हो या डेक्सिटी ग्लोबल जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो शरद सर हो स्वराज सर हो सबके सहयोग के साथ ही मैं ये कर पाया हूँ वो क्षण ऐसा भी होगा अभिनव की आप टूट रहे होंगे तो किस तरीके से आपकी बहन और आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया आप किस तरीके से आपको फिर से बुस्टअप किया गया जी बिल्कुल ऐसा समय था क्योंकि घर पे ऐसी स्थिति थी मुझे पढ़ाई भी करनी थी और एकदम नए बोर्ड में मैं गया था नए स्कूल में गया था तो मुझे एडजस्ट करने में भी टाइम लगा परंतु मेरी बहन और मेरी माँ ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो जाए आपके चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए परंतु हौसला नहीं हारना चाहिए और आप अगर मेहनत करते हैं आप अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप ज़िंदगी में जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं तो मेरी बहन ने हमेशा मेरा हाथ थाम के रखा है मुझे हमेशा हर समय वो गाइड किया है किसी भी मकान पे अगर मुझे थोड़ा सा भी लो फील होता था तो मैं हमेशा पहला कॉल मेरी बहन को ही जाता था मेरी माँ पापा को जाता था और उन्होंने हमेशा मुझे मेरे पीछे एकदम नींव बनाई रखी है कि नहीं तुम आगे बढ़ो कि तुम मेहनत करते हो तुम कुछ भी कर सकते हो तो घर का भी भले ही परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी परंतु उन्होंने मुझे इस ये बारे में ये एहसास नहीं होने दिया कि घर में कुछ ऐसा अलग हो रहा है अब आप बिहार से अब आप कदम रखने वाले हैं अमेरिका में क्या कुछ प्लान किया है क्या कुछ सोचा है क्या कुछ आगे करना है और क्या हासिल करके पटना आना है इंडिया आना है और इंडिया के लिए क्या कुछ करना है कुछ सोच रखा है जी बिल्कुल मैंने जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है कि इस टाइप के बैकग्राउंड से के भी आप यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाके स्कॉलरशिप के साथ आप पढ़ाई कर पा रहे हैं तो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिल पाती है क्योंकि बहुतों को पता नहीं होता बहुतों के पास काउंसलर्स इन सब के पास जाने की फैसिलिटीज़ और रिसोर्स नहीं होते हैं तो मुझे इसी फील्ड में मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे रिसर्च और कंप्यूटर के फील्ड में अपना अपने देश का और अपने भारत का नाम रोशन करना है और उसी के साथ साथ मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हम लोग के अगल बगल से आते हैं बैकग्राउंड ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में तो उनको जैसे डेक्सटेरिटी ग्लोबल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इन सब से जोड़ना और इस बारे में मैं काम करना चाहता हूँ मैंने और मेरे अपने स्कूल के दोस्तों ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप से शुरू की है जिसमें हम लोग जो अभी के जो स्टूडेंट्स कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनको अभी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे जोड़ते हैं जिनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात कर पाएँ कि और उस चीज़ को एप्लीकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएँ इसी में डेक्सटेरिटी ग्लोबल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्कुल आती हैं जिन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद की है ऑन्टरप्रेनोरशिप लीडरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस इन सब के बारे में बताते हैं तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं काम करना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए भले ही वो भारत में ही पढ़ना चाहता हो या बाहर पढ़ना चाहता हो परंतु लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ना हो हमारे देश में बिहार की इस शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं और अगर आप अमेरिका से रिटर्न आते हैं वहाँ से पढ़ाई पूरी हासिल करके ता, तामिल हासिल करके आप फिर से पटना पहुँचते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिनव क्या कुछ पहल करने वाले हैं क्या कुछ कदम आगे बढ़ाने वाले हैं जी बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई की शिक्षावृत्ति है उसमें एप्लीकेशन जो रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रोसेस है कि हमारे जो हमें स्कूल में विद्यालयों में सिखाया जाता है उसका हम असली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे स्किल बिल्डिंग बेस्ड पे हमें सिखाया जाए चीज़ें कि हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन कर सके हम उन चीज़ों का कि ऑन्टरप्रेनोरशिप है लीडरशिप है ये सब चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप स्कूल में किताब से नहीं पढ़ा सकते परंतु आपको जब वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि अगर आप किसी टीम को लीड करें किसी अगर आप जाके किसी बाहरी लोगों से बात करें तो आप तब जाके आप वो स्किल्स डेवलप करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं सब फील्ड्स में स्कूल्स जो हम हमने, हम हमने के फ़ोकस करें कि स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें कि पढ़ाई तो है ही परंतु स्किल बिल्डिंग हो जो पढ़ाया जा रहा है वो हम अप्लाई कर सके ऑनटरप्रनोरशिप लीडरशिप इन सब चीज़ों पे हमारे स्कूल्स का फोकस हो तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं आके अपनी जो पढ़ाई प्राप्त करूँ उससे कुछ कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी फील्ड हो उस फील्ड के इस्तेमाल करके मैं अपने लोगों तक ये पहुंच सकूं और लोगों को बता सकूं कि हाँ ऐसे अपॉरचुनिटीज़ हैं आपको ये करना चाहिए और लोगों को गाइड कर सकूं इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए आप आगे बढ़े हैं स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े हैं आपकी मम्मी आपकी बहन ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है ऐसे में जब आपको कॉल आया मैसेज के थ्रू आपको पता चला कि आपको दो करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने दिया है आगे की पढ़ाई के लिए तो वो मोमेंट्स कैसा था और सबसे पहले उस मोमेंट्स को आपने कैसे सेलिब्रेट किया है जी वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए बहुत ही खास मोमेंट था क्योंकि ये मेरा हमेशा से सपना था मेरा ही नहीं मेरी बहन का मेरे माता पिता का ही हमेशा से सपना था कि मैं विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ूँ और जब भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने की बात आती है तो सबसे पहले आपकी फ़ाइनेंसिस की बात आ जाती है कि आपके पास रिसोर्स क्योंकि बहुत महंगी होती है पढ़ाई वहाँ की तो स्कॉलरशिप भी मिलना मेरे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट था कि मुझे अब पता था कि मैं मैंने अपनी कैपेबिलिटी से अपने मेरिट से ये स्कॉलरशिप निकाली है और कि मेरे पेरेंट्स पे भी वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा नहीं। तो बहुत ही खास मोमेंट था मैं उस समय पुणे में था अपने स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था और जो मन में बहुत एक खुशी थी कि इतने सालों की जो मेहनत है इतने सालों की जो स्ट्रगल है कि जो मेरे माता पिता ने सक्रीफाइसिस किए हैं जो मेरी बहन ने मेरे साथ मेहनत की है जो डेक्सैटी के शरद सर स्वराज सर ने मुझे गाइड किया है उन्होंने जो मेरे साथ मेहनत की है एप्लीकेशन में वो सारी जा के सफल हुई है आज तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था वो सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को कॉल किया शरद सर को कॉल किया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और सेलिब्रेशन कैसे हुआ फिर क्योंकि पूना से जब आप रिटर्न पटना आए होंगे फिर कैसे सेलिब्रेट किया परिवार के साथ क्योंकि आपने पहले से पूर्व में जैसा कि आपने बताया कि मम्मी दीदी दी, सभी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है तो फिर इस मोमेंट को कैसे आपने उन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जी मैंने सबसे पहले यहाँ के उन अपने माता पिता और सबका आशीर्वाद लिया अपने चाचा चाची पूरी फैमिली का आशीर्वाद लिया क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाता तो उनका आशीर्वाद लिया फिर उनसे बैठ के उन्हें बातें की थी तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि मेरे माता पिता भी इस बात से बहुत प्राउड थे कि चलो उनके बेटे ने कुछ अच्छा किया है ज़िंदगी में जिनसे उनका नाम भी रोशन हो रहा है मेरी बहन को बहुत अच्छा लगा कि मैं ये कर पाया था कि उतनी मेहनत जो उन्होंने की मैंने की सबने की थी वो सब सफल हुई थी ये थे अभिनव खन्ना जी जो कि महज अट्ठारह साल की उम्र में ही इन्होंने बिहार और देश का नाम रोशन किया है अट्ठारह साल की उम्र में इन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे पर मम्मी और बहन ने सपोर्ट किया और ये आगे बढ़ते चले गए अब बिहार और देश का नाम अमेरिका में रोशन करेंगे काफ़ी कुछ सोच रखा है खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है कि इस टाइप के बैकग्राउंड चाह के भी आप यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाके स्कॉलरशिप के साथ आप पढ़ाई कर पा रहे हैं जब मैं दसवीं में था दसवीं की मैंने बोर्ड की अपनी परीक्षा दी उसके बाद मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मेरी बहन और मेरी माँ ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो जाए आपके चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए परंतु हौसला नहीं हारना चाहिए